हेलो दोस्तों मैं हर्ष कुशल स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसी कार बताने वाला हूं जहां पर अगर आपको यहां पे स्कूटी जितने रनिंग कॉस्ट के अंदर में कार से ट्रैवल करना है तो ये कार आपके लिए बनी है बात किया जाए इस कार के बारे में तो ये कार मारुति की तरफ से आती है मारुति वैगनार एंड वैगनार का यहाँ पर एलेक्साइज एन मॉडल देख रहे हैं इस कार के अंदर आपको यहाँ पर थर्टी किलोमीटर पर केस तक का शानदार माइलेज मिल जाता है इसका मतलब कि ये ये कार अप्रॉक्स यहाँ पे 2.5 से तो लेके थ्री रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगी तो काफ़ी ज़्यादा चीप रनिंग कॉस्ट रहेगी इस कार की यहाँ पे साथ ही में बात किया जाए वारंटी के बारे में तो इस कार का कारण आपको यहाँ पे टू इयर्स या 40,000 थाउजेंड किलोमीटर्स की शानदार वारंटी भी मिल जाती है कार का ऑन रोड प्राइस एंड रुकमणी मोटर्स के शोरूम की, की डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ से आप कार की और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो अब बात कर लेते हैं कार की कीज़ के बारे में तो कार की की आपको बिल्कुल मिल, मिलती है बेसिक वाली यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पर चीज़ करना बटन वगैरह नहीं मिलेंगे लेकिन इनके अंदर आपको कंपनी पिटेड इंजन बलाइजर मिल जाता है एंड नहीं जो आप रिमोट लॉकिंग की देख रहे हो ये पार्ट ऑफ एस सरी है जो निपोन के द्वारा कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको मारती है निपोन का जॉइंट वेंचर्स है यहाँ पे जा कोई एस सीरी के पार्ट में कार की आपको मिल जाती है कीज़ यहाँ पर जाकर लॉक करने का अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है साथ में अलाउक का ऑप्शन मिल जाता है एंड दो कीज़ आपको ऐसे मिल जाती है अगर आप एस का पार्ट लेते हो वरना आपको दो की यहाँ को प्लेन वाली ही मिलेगी गाड़ी के अंदर में कार की डिज़ाइन यहाँ पे टॉल बोय के अंदर बनाई गई है तो इस कार के आप हेडलाइट्स देख सकते हैं आपको टॉल बॉय पैटर्न मिलती है सिंगल बैरल लाइट से हेलोजिन के अंदर में इनका थ्रो यहाँ पे येलो कलर का मिलता है इंडिकेटर मिलते हैं बल्ब वाले आपको एंड बात की जाए फॉग लैम्प के बारे में तो आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं यहाँ पर लेकिन आप पार्ट एंड सेसरी में फॉग लैम्प लग लगवा सकते हो लोअर ग्रिल मिलती है ब्लैक कलर के अंदर में वहीं पर अपर ग्रिल गाड़ी की क्रोम एंड ब्लैक कलर के अंदर मिलती है सेंटर सुजुकी का लोगो मिल जाता है इस जगह पर आपको यहाँ पर एंड ये है बुरी गाड़ी का साइड लुक यहाँ पे गाड़ी पूरी सकते हैं स्क्वायरी शेप के अंदर बनाई गई है गाड़ी के पास चलते हैं वाइपर्स जो आपको मिल जाते हैं वो बेसिक वाइपर्स मिलते हैं कोई भी आपको यहाँ पे एरोडिन वाइपर वगैरह कार में नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको इनसे वाइपर्स के फीचर्स भी आपको हाईफाई वाले नहीं मिलते हैं वॉशर्स जिस जगह पर मिल जाते हैं आपको वहीं पर फेंडर पर ही आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं गाड़ी के एंड टायर्स आपको मिलते हैं स्टील वाले यहाँ पर जहाँ पर आपको व्हील कवर लगा हुआ नहीं मिलेगा टायर्स बता रहे टायर्स क्या रखा गया है वन फिफ्टी बाई एटी आर थर्टी रखा गया है थर्टीन इंच का टायर साइज है कार के अंदर आपको ए बी एस ई वी डी ऐसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे यहाँ निगेटर प्लेस किया गया है पेंडर पेस पे इस जगह पे ऑरेंज कलर के अंदर में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं और चीज़ों के बारे में कार का अभावी आपको मिलता है प्लेन ब्लैक फिनिश के अंदर में और बिल्कुल बेसिक साइज को आप हाथ से ओपन कर सकते हो और हाथ से बंद खोल सकते हो देखिए ऐसे आपको बंद खोलना होगा और आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो इसको यहाँ पर ए पिलर मिलता है बॉडी कलर के अंदर में आपको साथ ही में गाड़ी के रूप मिलती है बॉडी कलर के अंदर में बी पिलर में बॉडी कलर मिलता है विंडो को कोई कोई ऑनलाइन नहीं मिलता है डोर हैंडल्स बेसिक से मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर में की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है इस जगह पर आपको यहाँ पर बाकी यहाँ पर आपको साइड बॉडी ट्राइडिंग वगैरह नहीं मिलती है एन एक कार का यहाँ पर रियर साइड लुक हो गया प्रॉपर ऐसे कार से रियर में यहाँ पर चलिए गाड़ी के पास चलते हैं यहाँ पर अपन लोग तो कार का जो सी पिलर है वह मिलता है ब्लैक फिनिश के अंदर प्रॉपर इस जगह पे आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर में इस जगह पर कार के थर्टीन इंच के मिल जाते हैं आपको यहाँ पे स्टील व्हील्स पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलेंगे आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स या ड्रेक वगैरह नहीं मिलता है चलिए कार के टेल लाइट्स देख लेते हैं टेल लाइट का साइज बहुत सारा बड़ा कर दिया गया है देख सकते हैं बल्ब वाले मिल जाते हैं गाड़ी के टेल लाइट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे इंडिकेटर लाइट सबको टेल के अंदर आपको यहाँ पे बल्ब वाले मिलते हैं सेम जैसे आती है ना यहाँ पे अर्टिका वैसे टेल लाइट्स हैं गाड़ी के भी यहाँ पे उस शेप के मतलब इधर नीचे आते हैं दो मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी के अंदर में रिफ्लेक्टर्स को इस जगह प्लेस किया गया है यूएस कैमरा नहीं मिलता गाड़ी के अंदर में यहाँ पर इस जगह पे आपको यहाँ पर सेवा फिनिश के अंदर में वैगनार की बैचिंग मिल जाती है सुजुकी का लोगो हो गया रिवर्स कैमरा कोई प्लेस नहीं किया गया है नम्बर प्लेट की स्पेसिंग मिल जाती है रियर एयर वाइपर वाशर डिफोगर्स नहीं आते हैं सी एन जी की बैचिंग इस जगह मिल जाती है हाई मोस्ट टॉप लैंप हो गया एंड ये कार की रूफ यहाँ पर हो गई एंटीना वगैरह आपको नहीं मिलता है इसके अंदर में एंटीकोस सेंसर को प्रेस करके आप गाड़ी का बूट लैच खोल सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तब से पर बात करते हैं ऊपर के बारे में पार्सअल एरियाज़ में कवरिंग करी गई देख सकते हैं इधर आपको यहाँ पर पार्शल ट्रे भी कार के अंदर मिल जाता है प्रॉपर थ्री फोटी लीटर्स का वो स्पेस मिलता है एक्सेप्ट द सी टैंक सी एन जी आने के बाद में आपको यहाँ पर पे वो स्पेस कम हो जाता है कार का स्पेयर भी गया याँ पे। याँ रखा गया है यहाँ पर पीछे सी टैंक रखा गया सिक्सटी लीटर्स का यहाँ किट रखी गई है ये सी एन जी टैंक हो गया या आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शर्टिंग वॉल साथ भी जगह साथ में आता है इसका बात किया जाए इसके कैपेसिटी के बारे में अप्रॉक्स एट से नाइन के जी इसके अंदर गैस आ जाती है आराम से अब बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर ट्रिम के बारे में तो प्योर मिलता है आपको ब्लैक फिनिश के अंदर में सारा इसके अंदर में हार्ड प्लास्टिक मटेरियल लगाया गया सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया इसके अंदर में आमरे से इस जगह पे मिल जाता है थोड़ा बहुत स्पेशल रहता है कोई रखने के लिए आपको यहाँ पे पावर विंडो से आपको आगे के मिलते हैं पीछे के नहीं मिलते हैं इससे आपको यहाँ पर आगे के मिलते हैं और ड्राइवर साइड मिलता है ऑटो ऑप डाउन फीचर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन इस जगह पर मिल जाता है आपको यहाँ पर बाकी यहाँ पर आपको और नीचे कंट्रोल तो मिल जाते हैं यहाँ पर आपको फायर होल्डर एंड वाडर होल्डर मिल जाता है स्पीकरस गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं यहाँ पर लीजिए आपको मिल जाता है ये गाड़ी का लॉक का मैकेनिज्म इस जगह पे सेम ही ओल्ड स्कूल पैटर्न के अंदर मिलता है फैब्रिक का पोस्टर की मिल जाती है ड्राइवर सीट यहाँ पे आपको सीट को सी आप यहाँ पे आगे पीछे या इसका लाइनर वगैरह सीट्स का आप यहाँ पे और इसके को, को कंट्रोल नहीं आते हैं यहाँ सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो इस जगह से यहाँ से आप पीछे का फ्यूट खोल सकते हो गाड़ी के अंदर में और और चीज़ जगह बात किया जाए तो इस जगह से आप गाड़ी का यहाँ पे बोनट खोल सकते हो इस जगह से इसको आपको बाकी जगह में पुल करना होगा तो आपका बोनट खोल जाएगा एक्सरिटर ब्रेक क्लच पेडल हो गया डेड पेडल सेपरेटली मिलता है आपको गाड़ी के अंदर प्रॉपर यहाँ पर जा जाते इस तरफ में ये आपके सारे यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स हो गए या आपके हेडलाइट लेवल कंट्रोल अलार्म हो गया यानी फ्यूल टू सी एनजी मोड चेंज करने का ऑप्शन इस जगह मिल जाता है और ऊपर जगह बढ़ते हैं ये आपके ड्राइवर साहेब डे सीवेंट हो गया यहाँ पे ब्लैक वनिश के अंदर में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे गोल घुमा कर और आप इसको बंद कर सकते हो जब इनका यूज़ ना करो आप यहाँ पर तो एड्रेस तो आपको नहीं मिलते हैं फिक्स वाले सारे एड्रेस मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर में एडजस्टेबल वाले नहीं मिलते गाड़ी के अंदर में आपको सारे पीछे के भी आपको यहाँ पे फिक्स्ड वाले ही मिलते हैं अब बात कर लेते हैं पीछे के डोर ट्रम के बारे में तो पीछे का डोर देख लीजिए वहाँ भी आपको मिलता है प्रॉपर यहाँ पर ब्लैक फिनिश के अंदर में पूरा यहाँ पर हार्ड पार्ट्स का यूज़ किया गया है आमबरेस्ट हो गया जगह पर और ये देख लीजिए बेसिक वायर मिलते हैं विंडो कंट्रोल आपको यहाँ पे लॉक का लकल लॉक मैकनिजम मिल जाता है वन लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको और स्पीकर आपको पीछे भी नहीं मिलते हैं इसके अंदर में कार के लेफ्ट तरफ मिल जाता है आपको यहाँ पे फ्यूल ला का ऑप्शन यहाँ पे ये कैप मिलती है ब्लैक कलर की यहाँ पर पेट्रोल आप यहाँ पर टू लीटर तक का पेट्रोल टैंक मिल जाता है ये आपका होगा पास सी एन का ऑप्शन ई मेल आता है सेटिंग वॉल आपको अगर ये बंद रहेगा तो आपकी गाड़ी यहाँ आप पर स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी खुला रहेगा आई मीन अनप्रेस रहेगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी एट सैन किलो तक की सी एन जी आ जाती है बाकी सी एन जी की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर इस जगह पर यह है नाइन नाइन्टी एट सी सी का पेट्रोल एंड कंप्लाइन सी एन जी इंजन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और काफ़ी रिफाइंड इंजन है ये प्रॉपर ये माइलेज काम करता है आपको थर्टी फाइव की एम्पर तक की आपको थर्टी फोर मतलब पॉइंट कुछ के एम्पल की है तो थर्टी फाइव मान सकते हैं आप इसको प्रॉपर ये फिफ्टी सिक्स बच्चे पावर निकाल देगा एटी सिक्स सेना को टॉक निकाल देता है ये इंजन क्या आपको भी यहाँ पर इंजन कवरी वगैरह नहीं मिलती गाड़ी के अंदर में सो so इस वक्त मैं आ चुका हूँ कार के अंदर में सर्कुलर नॉन लेदर आप स्टेयरिंग विल मिल जाता है और एक फ्लैट बॉटम में डिग कर स्टेयरिंग नहीं है सुजुकी का लोगो मिल जाएगा कभी आपको ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेगा प्रॉपर सर्कुलर स्टेयरिंग विल है ये सिल्वर फिनिश भी आपको कुछ नहीं मिलती लाइक स्टेरिंग विल का ब्यूटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर एंड साथ बात एडजस्टेबल स्टेटिंग विल है कि नहीं है तो इस जगह पर आपको यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं मिलता है इसको एडजस्ट करने के लिए इसका मतलब ये है कि स्टेयरिंग विल यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं मिलता है ये स्टेयरिंग विल प्रॉपर यहाँ पर फिक्स रहेगा कार में की लगा के आप कार को यहाँ पे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो इस जगह से कार में की लग जाएगी ये यह प्रॉपर यहाँ पे और ऐसा कुछ गाड़ी का दिखता है हैं पे कुछ मीटर कुछ फुल स्वाइप स्वाइपर वगैरह नहीं होता है बेसिकस मीटर मिल जाता है इधर आ जाते हैं यहाँ पे मिल जाएंगे सारे लाइट के कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर कंट्रोल आपको इस जगह मिल जाते हैं यहाँ पर इसका आप ऑन करें तो सब कुछ यहाँ पर फेड हो जाए सकते हैं आप जब आप लाइट को ऑन कर रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पर फेड हो जाता है ताकि आपको रात में विजिबिलिटी मिल सकते बाकी इधर आ जाते हैं यहाँ पर सारा वाइपर कंट्रोल्स है वाइपर थ्रू देख लीजिए डिसेंट सा वाइपर थ्रो है ज़्यादा अच्छा भी ज़्यादा बुरा भी नहीं है ये इधर आ जाते हैं ड्राइवर साइड डिस्ट मिल जाता है थोड़ी बहुत तो वार्निंग वगैरह वा इस जगह पर लिखिए सी एन के बारे में बाकी चलिए अब हम लोग फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये गाड़ी का फ्रंट का मीटर हो गया 180 तक की टॉप स्पीड मिल जाती है कोई भी आपको इसके अंदर में आरपीएम मीटर या कोई भी हाई टेक वाला फीचर नहीं मिलेगा आपको लेफ्ट में बता देगा फ्यूल का टाइप फ्यूल का बता देगा राइट में बता देगा यहाँ पे आपको सी एन जी का सी एन कितना गाड़ी के अंदर में साथ में पेट्रोल कितना है साथ ही आप सी पेट्रोल स्विच करके दिखा देगा कि कौन सी सौ मोटर भी गाड़ी चल रही है ट्रिप ए भी बताता है इसके अंदर में यहाँ पर प्रॉपर आपको रियल टाइम आज बता देगा इसके अंदर में आपको एक प्रॉपर ये अनऑडोमेटर रीडिंग हो गई वन इंडिया रखी टॉक्स भी रखी गई है इसके बारे में यहाँ पर इधर आ जाते हैं यहाँ पर आपको रख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति वगैरह इस जगह पर बाकी इस जगह पे आपको मिस सिस्टम मिल जाता है आप बता रहे हो कि मिस सिस्टम पार्ट ऑफ ए सर है इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो के अंदर में कि गाड़ी के अंदर स्पीकर्स नहीं आते अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो आपको मिस सिस्टम मिल जाएगा बाकी डिफॉल्ट गाड़ी में सिस्टम आपको नहीं मिलेगा साथ में स्पीकर भी नहीं मिलेगा नॉर्मल सा मिल जाता है ब्लूटूथ सपोर्ट करता है आप कॉल उठाएगा आठ सकते इसके अंदर में और थोड़ा बहुत बेसिक फीचर्स आप कर सकते हैं लाइक रेडियो चेंज हो गया ये सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं इसके अंदर बेसिक है बिल्कुल ये हज़ार लेख का ऑप्शन इस जगह पे आपको मिल जाता है आपको मिल जाएगा मैनुअल ए सी इसके सारे कंट्रोल्स आपको इस जगह पर मिलते हैं यहाँ से आप ए सी को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक आपको टेम्परेचर सेट से करना हुआ फैंस भी सेट करना हुआ यहाँ से आप ए सी को ऑफ या ऑन कर सकते हैं साथ में बोर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो आप इस ए सी का नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है इस जगह पे बाकी मोबाइल वैर रख सकते हैं इस जगह पे आप ये हो गया फाइव स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स गाड़ी के अंदर में रिवर्स कैमरा नहीं आता है सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर में आता है यहाँ पे आपका पर्डर हो गया थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है इस जगह पे हैंड ब्रेक हो गया गाड़ी के यहाँ पे आम वाले स्टॉप नहीं मिलेगा सनशेड की बात किया जाए तो ड्राइवर साइड सनशेड आपको मिलता है टिकट होल्डर के साथ में इस जगह पे यहाँ आपको टिकट होल्डर्स के अंदर मिल जाएगा सन्टेक लाइट आपको मिलती है येलो कलर के अंदर में गाड़ी के अंदर में आर ई वैम मिलता है आपको गाड़ी के अंदर मैनुअल वाला एडजस्टिंग आर ईवम नहीं है ये कोटा वो कुछ भी नहीं मिलता है बस आपको एयरबैग की वार्निंग हो गई चेंजी की बैटरी मिल जाती है कार के अंदर दो एयर से आते हैं एक यहाँ प्लेस किया गया एक आप आपके स्ट्रिंग में पे एयरबैग मिल जाता है आपको यहाँ पे करायब्रे बेसिक से मिल जाते हैं प्रॉपर आपको और ये आपका जो है ना सीट बेल्ट इसको आप ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो कार का ग्लब बॉक्स चेकआउट कर लेते चेक हैं ग्लब बॉक्स कितनी स्पेस मिल पाती है अपने को तो ये कार का ग्लब बॉक्स हो गया है डिसेंट साइज का ग्लब बॉक्स मिल जाता है आप इसे थोड़ा बहुत सामान से रख सकते हैं ये कार्स का यहाँ ओनर मैनुअल वगैरह रखा हुआ है इतना कुछ का यहाँ पर ग्लब बॉक्स का स्पेस है एयर कूल वाला ग्लब बॉक्स से नहीं है बात करी जाए लेगरूम बात कर लेगरूम देख सकते हैं साउट लेगरूम मिल जाता है गाड़ी के अंदर में लेगरूम की कोई कमी नहीं है इसके अंदर प्रॉपर आपको विंडोज को ऐसे घुमा के नीचे ओपक करना पड़ेगा ये देखिए विंडो भी नीचे हो रही है एन एस का घुमा के इसको विंडो ओपन से करना पड़ेगा पावर विंडो गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं यहाँ पर यहाँ पीछे आपको कोई भी ए सी वेंट वगैरह भी ऑप्शन का नहीं मिलता है अनर सपोर्ट यहाँ पर ठीक ठीक मिल जाता है थोड़ा सा वीक है सकते हैं आप थोड़ा पैर मेरे ऊपर की तरफ में आ रहे हैं इस जगह पे एमरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा पीछे आपको एड्रेस मिल जाते हैं बेसिक वाले गाड़ी के अंदर में आपको यहाँ पर पार्सल सब मिल जाता है एंड ऊपर था आपको अभी लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है जगह पर एनेरा गाड़ी का आगे रुकर तो रुकर पे। तो का लुक यहाँ पर जो कि पीछे बैठेगा उसको यहाँ पे ऐसा लुक देगा आगे का यहाँ पर सो दोस्तों यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल पर कार बैक के नॉलेजफुल और रिव्यू वाले वीडियो आते रहते हैं अगर आपका कोई डॉट बच जा रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है साथ ही में अगर आप मुझसे यहाँ पर इंस्टाग्राम बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पर आप मैं आप पे कमेंट है हूँ डी एम का जल्द से पहले ट्राई करूँगा तो मिलता है आपसे अगली बार तक के लिए बाय भारत माता की जय